नमस्कार, मैं उषा शर्मा NIOS के स्टूडियो में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमारी आज की बातचीत आधारित है ब्लॉक संख्या 503 पर और आज की बातचीत का विषय है पढ़ने लिखने में संबंध। दरअसल जब हम पढ़ने लिखने के संबंधों को टटोलने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि भाषा संबंधी अवधारणाएँ इसमें हमारी सोच को, हमारी समझ को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। हम भाषा और भाषाई क्षमताओं को जिस तरीके से समझते हैं, जिस तरह की अवधारणाएं उनके बारे में बनती हैं, वे हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अगर हम ये मानते हैं कि पढ़ना लिखना दो अलग प्रक्रियाएं हैं, तो हमारी कक्षा में भी पढ़ना और लिखना अलग अलग और बारी बारी से होता हुआ नजर आएगा। एक समय तक ऐसा माना जाता था कि पढ़ने लिखने के बीच कोई सार्थक और महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में हुए शोधों के कारण इस सोच में बदलाव आया और पढ़ने लिखने को अंतःक्रियात्मक और सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा। हमारी बातचीत में दो मुख्य शब्द हैं। हम दो शब्दों पर गौर करते हैं। पहला शब्द है अंतःक्रियात्मक। इसका अर्थ है कि पढ़ना और लिखना दोनों क्षमताएं एक दूसरे की कुशलता का प्रयोग करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरा शब्द है सृजनात्मक। इसका अर्थ है कि पढ़ना और लिखना दोनों में ही अर्थ का निर्माण होता है। जब हम कोई कहानी, कविता या कोई पत्रिका आदि पढ़ते हैं तो उससे अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। आप श्री दामोदर अग्रवाल जी की कविता की ये पंक्तियां देखिए। कोई लाके मुझे दे एक छाता छांव का, एक धूप की छड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। जब कोई भी पाठक इस कविता को पढ़ता है तो इस कविता से वह अपने लिए अर्थ निकालता है। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपके लिए एक अलग अर्थ है। जब मैं इस कविता को पढ़ूंगी तो मेरे लिए संभवतः एक अलग अर्थ होगा। जब कोई तीसरा बच्चा इसे पढ़ेगा तो वह अपने लिए एक नया अर्थ निकालेगा। हो सकता है कि किसी बच्चे की नज़र में एक धूप की घड़ी का मतलब क्या हो, हो सकता है कि एक बच्चे को बादलों का कोट ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, और हो सकता है किसी एक बच्चे को छुट्टी वाला दिन, अच्छी सी किताब, मीठा सा सवाल, ये लाइनें ज़्यादा आकर्षित कर रही हों। तो दरअसल जब हम कोई टेक्स्ट, कोई कहानी, कोई कविता पढ़ते हैं तो उससे अपने लिए एक नया अर्थ गढ़ते हैं। इस तरह से पढ़ना और लिखना दोनों ही एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल रहती हैं। इसी तरह से जब हम लिखते हैं तो पहले यह तय करते हैं कि लिखना क्या है, यानी क्या अर्थ संप्रेषित करना है। लिखने से पहले हम उसका एक ढांचा अपने मस्तिष्क में तैयार करते हैं। लेखन का यह ढांचा अर्थपूर्ण होता है। इस तरह से लिखना भी अर्थ निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया है। यानी कि साथियों, मान लीजिए कि आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि दरअसल कहानी में मुझे प्लॉट क्या देना है, यानी कि कथानक क्या होगा, उस कथानक में पात्र कौन से होंगे, वे पात्र कौन कौन से काम करेंगे और अंततः कहानी किस तरह से समाप्त होगी। और समाप्त होने से पहले एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कहानी का, और वह है क्लाइमेक्स, यानी कि कहानी जब अपने चरम पर पहुंचती है। जब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है तो लेखक सोचता है कि अब इसे चमत्कारपूर्ण ढंग से किस तरह से समाप्त किया जाए। तो इस तरह से जब हम कोई कहानी, कोई कविता या कोई भी पाठ्य सामग्री रचते हैं तो उस पूरी रचना प्रक्रिया एक तरह का समस्या समाधान की प्रक्रिया भी हमें नज़र आती है, यानी कि एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। ये प्रॉब्लम, ये समस्या क्या है, कथानक क्या है, मेरे पात्र कौन से होंगे, वे पात्र क्या व्यवहार करेंगे और उन पात्रों के बीच में आपसी संबंध किस तरह से होगा और कहानी किस तरह से समाप्त होगी। लेखक जब कोई कहानी लिखते हैं या बच्चे भी कहानी लिखते हैं तो प्रायः हम सुखांत या दुखांत तरह की कहानियों को पढ़ते हैं। प्रायः जब बच्चे कहानियाँ लिखते हैं तो उनकी कहानियों का विश्लेषण करने के बाद आप ये पाएंगे कि बच्चे अक्सर सुखांत कहानियाँ ही लिखते हैं, यानी कि कहानी का अंत सुखपूर्वक होता है और उनकी कहानियों के अंत में आप खुशी खुशी शब्द आप अक्सर देखेंगे। तो इस तरह से लिखना भी एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। पढ़ते और लिखते समय हम जिस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं वे एक समान हैं। जैसे अर्थ के रूप में कच्चा मसौदा तैयार करना कि अंततः कहना क्या है, अपने विचार बनाना और विचारों का संपादन करना, विचारों का संपादन
का आधार बनता है हमारे अनुभव और पाठक, यानी कि हमारे किस तरह के अनुभव रहे हैं और पाठक की मनस्थिति क्या है, पाठक के अनुभव क्या रहे हैं, पाठक किस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहा है। दूसरा नज़रिया ये भी हो सकता है कि जब हम कुछ लिखते हैं या कुछ रचते हैं तो हमारे सामने एक पाठक है, एक ऑडियंस है। हम दरअसल अपनी ऑडियंस, अपने पाठक को रखकर भी विचारों में लगातार संपादन करते हैं और फिर हम अपने लिखित काम को एक अंतिम रूप प्रदान करते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को पढ़ने लिखने के संदर्भ में एक बार फिर से दोहराते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम एक सतही तौर पर अर्थ ग्रहण करना शुरू करते हैं, यानी कि अर्थ के रूप में कच्चा मसौदा तैयार करना। फिर जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हम अपने विचार बनाते हैं। फिर हमारे जिस तरह के अनुभव रहते हैं हम अपने विचारों में लगातार संपादन करते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो ऐसे नहीं होती है, या हम कुछ इस तरह से भी सोचते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हाँ ऐसा ही होता है। जब हम लगातार किसी टेक्स्ट को पढ़ते हुए इस तरह से सोचते हैं तो हम एक पाठक के तौर पर अपने विचारों का संपादन करते हैं, यानी कि हम उस पूरी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में लगातार संशोधन करते हैं और फिर अंतिम रूप से अपना एक निर्णय लेते हैं कि जो कहा गया है, यानी कि लेखक ने किसी कहानी या कविता के माध्यम से जो कहने की कोशिश की है वह मेरे लिए किस रूप में मायने रखती है। अब इसी पूरी प्रक्रिया को हम लिखने के संदर्भ में देखते हैं। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो एक उसका रफ आइडिया हमारे दिमाग में होता है, जिसे हम कहते हैं कच्चा मसौदा तैयार करना, या जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट तैयार करना। फिर हम अपने विचार बनाते हैं, किसी एक मुद्दे को अलग अलग कोणों से देखते हैं, अलग अलग नज़रियों से देखने की कोशिश करते हैं, हमारा अनुभव और हमारी ऑडियंस यानी कि जिसे वो पढ़ेगा, यानी कि टेक्स्ट जिसे पढ़ना है, उसके आधार पर अपने विचारों का संपादन करते हैं और फिर अपने लिखित कार्य को हम अंतिम रूप देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमने अपना काम पब्लिश किया। बच्चे जब पढ़ते हैं तो लिखित भाषा की प्रकृति, उसकी विशेषताओं से परिचित होते हैं, उन्हें सीखते हैं जो उनके लेखन में झलकता है। साथ ही पढ़ना एक तरह से लेखक की भाषाई संरचना और विचारों का स्टोर हाउस है, जो दरअसल लिखने में मदद करता है। आइए देखें कैसे। जो बच्चे जटिल संरचनाओं वाली पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं वे लिखते समय जटिल संरचनाओं का प्रयोग करते हैं और शोध ऐसा दर्शाते हैं। यही बात सुनने पर भी लागू होती है। अगर आप सुनने पर गौर करें तो जब हम समृद्ध भाषा सुनते हैं, यानी कि अगर हमारे आसपास तरह तरह की हिंदी बोली जा रही है, अगर हमारे आसपास तरह तरह की तमिल पंजाबी भाषा बोली जा रही है, हम जब लगातार एक समृद्ध भाषा सुनते हैं और जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में वह समृद्ध भाषा शामिल होती है। यही बात हम लिखने पर भी लागू करते हैं। एक उदाहरण से हम इस बात की पुष्टि करते हैं। देखते हैं, बच्चे जब कहानियाँ लिखते हैं तो कई तरह की कहानियाँ पढ़ते भी हैं। जब वे लगातार कई तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता चलने लगता है कि कहानियाँ किस किस तरह से शुरू होती हैं। आप इसके बारे में एक सहज अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। जैसे एक बार की बात है, कहानी कुछ इस तरह से भी शुरू हो सकती है। जैसे बहुत पुरानी बात है, कहानी कुछ इस तरह से भी शुरू हो सकती है। या एक बार एक लड़का था, कहानी कुछ इस तरह से भी शुरू हो सकती है। बच्चे जब लगातार इस तरह की कहानियों को पढ़ते हैं तो कहानी किस तरह से प्रारंभ होती है, ये संरचना धीरे धीरे वे आत्मसात करते जाते हैं। और जब वे अपनी कहानी लिखते हैं तो उनके द्वारा पढ़ी गई शुरुआती संरचनाएं उनकी कहानियों में नजर आती हैं। तो हम कुछ उदाहरण लेकर चलते हैं। एक बच्चे ने एक कहानी लिखी, एक बार एक बंदर पेड़ पर आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है। एक दूसरे बच्चे ने कहानी शुरू की, एक दिन एक छोटी सो रही थी, उसकी पूंछ पर गिलहरी को लगा मैं तो झूला झूल रहा हूँ। तीसरे बच्चे ने कहानी कुछ इस तरह से शुरू की, एक बार एक लड़का भूत का मास्क लगाकर एक चूहे को डरा रहा था। एक और बच्चे ने लिखा, एक बार की बात है, एक बंदर और गिलहरी और चिड़िया और कछुआ चारों दोस्त थे। एक बच्चे ने कहानी कुछ इस तरह से शुरू की, एक बार एक बंदर पेड़ पर बैठा था और उसकी पूंछ पर एक गिलहरी गिर गई। एक दिन बंदर सो रहा था, उसकी पूंछ पर गिलहरी झूला झूल रही थी। तो आपने इस तरह से देखा कि कहानी अलग अलग तरीके से शुरू होती है, लेकिन अगर आप सबकी कहानियों के शुरुआती हिस्से पर गौर करेंगे तो एक बार ये जो फ्रेज़ है, ये जो संरचना है, ये लगभग हर बच्चे की कहानी में शामिल हो रही है।
ये संरचना अंततः उन्हें मिली कहाँ से? साथियों, ये संरचना उन्हें मिली कहानी पढ़ने से। जब बच्चों के आसपास विविध तरह का साहित्य होता है और वे साहित्य से रूबरू होते हैं, साहित्य से परिचित होते हैं, साहित्य के साथ खुद को शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे वे न केवल विचारों को पकड़ते हैं बल्कि उन विचारों की अभिव्यक्ति जिस तरह की भाषा संरचना में की गई है, वे भाषा संरचना पर भी अपनी पकड़ बनाते हैं। और अभी आपने जो उदाहरण देखे हैं, वे दरअसल इसी बात को पोषित करते हैं कि जब बच्चे लगातार समृद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो उस पढ़ने की झलक उनके लेखन में भी हमें नजर आती है। साथियों, हम एक और कविता लेते हैं। ये कविता श्री निरंकार देवसेवक जी की कविता है। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। अब बच्चों ने इस कविता को कुछ इस तरह से बढ़ाया। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना डायनासोर को खिलाते तो बहुत मारता तो बड़ा मज़ा आता। और इसके कवि हैं हितार्थ कुकरेजा। एक और बच्चे ने इस कविता को कुछ इस तरह से बढ़ाया। पैसा पास होता तो छह टॉफ़ी लाते, छह टॉफ़ी लाती तो अंकल जी को देती, वो मुझे घर पहुंचाते और मैं खुश होती। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वे कविता की रिदम है, कविता की लय है, कविता में जिस तरह से कोई एक हिस्सा बार बार आता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, यही पुनरावृत्ति उनकी स्वयं की रचनाओं में भी हमें नजर आती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की कविताएं जब बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें ये कार्य दिया जाता है कि चलिए अब हम इस कविता को कुछ आगे बढ़ाते हैं, कविता को आगे बढ़ाने में वे जिस तरह के पात्र शामिल करते हैं, जिस तरह की संरचना शामिल करते हैं, वह दरअसल उनके पठन संबंधी अनुभवों और अपने दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। अगर बच्चे बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत कुछ लिखना चाहते हैं तो इन सब के लिए वे बहुत कुछ पढ़ते भी हैं। क्या पढ़ते हैं? वे कहानी का शीर्षक भी पढ़ते हैं। वे कोई भी किताब जब देखते हैं तो सबसे पहले उनकी दृष्टि जाती है कहानी के शीर्षक पर। वे लेखक का नाम भी देखते हैं। वे ये भी देखते हैं कि किताब के ऊपर चित्रकार कौन है, कि चित्रकार का नाम क्या है। वे विषय से परिचित होते हैं, उस विषय को जो विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विषय की जो विषय वस्तु है उस पर भी उनका ध्यान जाता है। वे भाषाई संरचना को पकड़ते हैं और भाषा शैली को भी पकड़ते हैं। भाषा शैली का अर्थ है कि हमें जो विचार की प्रस्तुति करनी है, हम उसे किस तरह से दें। जैसे हम कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो हमारी कहानी वर्णनात्मक हो सकती है। एक दिन की बात है, रवि घर जा रहा था, उसे अचानक बहुत ज़ोर से प्यास लगी और वह कुएं के पास गया, उसने कुएं में झांक कर देखा। कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है, ये एक तरह का वर्णन है। लेकिन कहानी लिखने का दूसरा तरीका या दूसरी भाषा शैली भी होती है। एक बार की बात है, रवि को अचानक बहुत तेज़ प्यास लगी, उसने देखा अरे यहाँ तो पानी है। या हम जब कभी कहानी लिखते हैं तो फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, यानी कि मैं गया, या कभी हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं जैसे रवि गया। और किसी भी एक बात को कहने या घटनाओं का तारतम्य जोड़ने के लिए हम कुछ अलग तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये सभी बिंदु बच्चे तब ध्यान में रखते हैं जब एक टीचर कहानी की किताब पढ़ते समय बच्चों का ध्यान इन सब की ओर आकर्षित करती है। आपने पिछले उदाहरणों में ये देखा होगा कि बच्चे ने जब कोई कविता लिखी तो उसने अपने नाम से पहले क्या लिखा, कवि। यानी कि बच्चे ये जानते हैं कि जब हम इस तरह से कोई कविता लिखते हैं तो कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। तो इसलिए उसने कवि शब्द का इस्तेमाल किया और उसने कवि शब्द के सामने अपने नाम का इस्तेमाल किया। और पढ़ने के संदर्भ में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए हम एक और बच्चे की कहानी पढ़ते हैं। और आप देखेंगे जो अभी बात हमने की थी कि जब बच्चे लिखते हैं तो न केवल वे कहानी पढ़ते हैं बल्कि किताब के बहुत सारे पहलुओं की तरफ भी उनका ध्यान जाता है। जैसे एक बच्चे की कहानी है जादुई दुनिया। इस बच्चे ने अपनी कहानी को जो शीर्षक दिया है वह दिया है जादुई दुनिया और उसने लिखा है लेखक अबीर भंडारी। तो आइए हम इस बच्चे की कहानी पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था मोटा, वह बहुत अच्छा बच्चा था। एक दिन उसका दोस्त गुजमू आया और बोला मोटा चलो खेलते हैं, पर मोटा बोला नहीं मैं नहीं खेलूंगा।
फिर गुजमू का दोस्त फुटा आया और बोला, क्या तुम मेरे साथ दुकान चलोगे? गुजमू बोला, तुमने दुकान में क्या करना है? मुझे बुखार हो गया है, तुम्हें इसी वक्त याद आया था कि तुम मेरे साथ दुकान जाना है? चलो अगर तुम बोलते हो तो चल ही लेता हूँ। फुटा बोला, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर गुजमू बोला, मैं अब मोटा के साथ खेलने जा रहा हूँ। फिर गुजमू को मोटा दिखा तो फिर गुजमू मोटा को बोला, अब तो तुम मेरे साथ खेलो। मोटा बोला, ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। फिर वह खुशी से खेलने लगे। तो आपने देखा साथियों, बच्चे ने जब यह कहानी की रचना की तो उसमें पात्र हैं, एक मोटा है, एक फुटा है और एक गुजमू है। इन सबके बीच में बातचीत चल रही है। ये कहानी वर्णनात्मक भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ बच्चे ने जो एक स्टाइल डेवलप किया है, एक शैली अपनी बनाई है, वह संवादात्मक शैली है। यानी कि पात्रों के बीच में संवाद होता है और संवाद के सहारे कहानी आगे बढ़ती है। अब इस कहानी के अंतिम हिस्से पर आप गौर करें। अंतिम हिस्सा है, फिर वे खुशी से खेलने लगे। हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि जब बच्चे लगातार कहानियाँ पढ़ते हैं तो हम ये बच्चे जान जाते हैं कि कहानी अक्सर खुशी पर ही अंत हो रही है। यानी कि एक सुख का भाव है, एक सुकून का भाव है और कहानी वहाँ समाप्त हो रही है। तो कहानी को समाप्त करने के कई कई तरीके हो सकते हैं। जब बच्चे अलग अलग तरह के साहित्य के साथ अपने आप को एंगेज करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वे ये भी जान जाते हैं कि कहानी दरअसल किस किस तरह से समाप्त हो रही है। पढ़ने और लिखने के संबंध में फ्रैंक स्मिथ का एक वाक्य मुझे बार बार याद आता है, रीडिंग लाइक अ राइटर। यानी अगर कोई लेखक की तरह लिखना चाहता है तो उसे लेखक की तरह पढ़ना होगा। पढ़ी जा रही विषय वस्तु में से लिखने की संभावनाओं की तलाश करनी होगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। दरअसल पढ़ने के कई उद्देश्य होते हैं। मान लीजिए कि आप एक शादी का कार्ड पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने का उद्देश्य कुछ और है, कि शादी किस दिन है, प्रीति भोज किस समय है, यानी कि भोजन की व्यवस्था कहाँ है, शादी कहाँ हो रही है। जब आप कोई एक सूचना पढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या हुआ है, किसकी साइकिल खो गई, कहाँ खो गई, किस तरह की थी, तो हमारा पढ़ने का उद्देश्य अलग है। लेकिन जब हम एक लेखक की तरह लिखने की अपेक्षा रखते हैं, चाहत रखते हैं, तो हमें एक लेखक की तरह ही पढ़ना होगा, जिसे फ्रैंक स्मिथ कहते हैं रीडिंग लाइक अ राइटर। मान लीजिए कि बच्चे चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो वे क्या करेंगे? वे तरह तरह की चिट्ठियों को इस दृष्टि से पढ़ेंगे कि चिट्ठियाँ किस किस तरीके से लिखी जाती हैं, विषय के हिसाब से उसमें क्या क्या लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी बातें लिखना ज़रूरी है। जैसे चिट्ठी पाने वाले का नाम लिखना ज़रूरी है, उसके लिए संबोधन ज़रूरी है, तारीख लिखना ज़रूरी है, चिट्ठी पाने वाले का पता भी लिखना ज़रूरी है। तो जब हम चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो हम तरह तरह की चिट्ठियों को पढ़ते हैं, और तरह तरह की चिट्ठियों में हम इस तरह से पढ़ते हैं या पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि जब एक चिट्ठी लिखी जाती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। यानी कि चिट्ठी का मजमून पढ़ना, चिट्ठी में क्या लिखा है, ये पढ़ना हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम लिखना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, तो चिट्ठी को पढ़ने का नज़रिया हमारा बिल्कुल बदल जाता है और हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि दरअसल एक चिट्ठी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसे फ्रैंक स्मिथ बार बार कहते हैं रीडिंग लाइक अ राइटर। न्यूमैन के शोध परिणाम भी इस बात की पुष्टि करते हैं साथियों कि यदि शुरुआती लेखकों को समृद्ध और विविधतापूर्ण साहित्य पढ़ने को मिले तो लिखित भाषा के बारे में उनके ज्ञान का संवर्धन होता है। बच्चों ने लिखित भाषा के रूपों, कहानी कहने के तरीकों और तो और उन्होंने अक्षरों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। कक्षा 5 के ड्रेसल के शोध भी यही बताते हैं कि यदि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण साहित्य दिया जाए तो यह गुणवत्तापूर्ण साहित्य बच्चों के लेखन में मदद करता है। वे बच्चे जो समृद्ध साहित्य पढ़ते थे, उनका लिखित वर्णन उन बच्चों के मुकाबले बेहतर था जो कम गुणवत्ता वाला साहित्य पढ़ते थे। तो आशा है कि आज की बातचीत ने आपको पढ़ने लिखने के आपसी संबंधों को समझने, उन संबंधों में विश्वास करने और उन संबंधों को अपने अपने संदर्भों में एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया होगा। पढ़ना और लिखना दोनों ही अर्थपूर्ण प्रक्रिया से गुजरती हैं। पढ़ना और लिखना दोनों का संबंध अर्थ से है, और पढ़ना और लिखना दोनों इस तरह से आपस में मिले जुले हैं कि एक की कुशलता दूसरे को प्रभावित करती है। तो इसलिए जब हम अपनी कक्षाओं में पढ़ना लिखना की प्रक्रिया को शामिल करें, पढ़ना लिखना की प्रक्रिया को तय करें, तो ये समझ लें कि पढ़ना और लिखना दोनों आपस में एक गहरा संबंध बनाते हैं। हम जितना अधिक पढ़ते हैं
हमारे पढ़ने में जितनी वैविध्यपूर्ण सामग्री होती है उस सब का प्रभाव हमारे लिखने में भी आता है। वे शब्द जो हमने आज तक कभी नहीं सुने थे, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं उस कहानी में जब हम कोई नया शब्द पढ़ते हैं तो हम केवल शब्द ही नहीं पढ़ रहे, हम उस शब्द को पूरे संदर्भ में देखते हैं। तो इसका मतलब है कि पढ़ते समय हम संदर्भों में शब्दों को देखते हैं, और जब ऐसा ही संदर्भ हमारे लिखने के समय आता है तो हम उस संदर्भ में उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम भाषा से परिचित होते हैं, हम भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित होते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किसी एक विचार को व्यक्त करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। साहित्य कोई भी हो, चाहे कहानी हो, कविता हो, कोई निबंध हो, कोई लेख हो, कोई डायरी हो, कोई यात्रा संस्मरण हो, कोई रेखा चित्र हो, कुछ भी हो, लिखने में पढ़ना हमेशा हमारी मदद करता है। तो आशा है कि आज की बातचीत ने आपको ज़रूर कुछ समझने में मदद की होगी। नमस्कार।